वेलकम है यूट्यूब चैनल सिनेमा कम्युनिकेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक ऐसा वीडियो, अपने को ऐसे झूठ बोलने की आदत नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो कहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट की वीडियो उन्होंने डाली है। ऐसा कभी होता नहीं। अगर हिंदुस्तान में कोई, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर कोई ये साबित कर दे कि जो हाउ टू अपडेट फर्मवेयर P3208 की पहली वीडियो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल उसने डाली हुई है, तो मैं अपनी वीडियो डिलीट मार दूंगा। पहली बात तो ये। उसके बावजूद मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप झूठ बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, और सच वाली वीडियो जो मैं सबसे पहले डाल देता हूँ इंटरनेशनल पूरी मार्केट के अंदर, शायद ये वीडियो ट्यूटोरियल वाइज के इसका फर्मवेयर किस तरह अपडेट करना है, आज तक आपको स्टेप बाय स्टेप किसी ने बना के नहीं दिखाया होगा। चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप लाइक करते हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे ऐसा मोटिवेशन मिले कि मैं बाकी जो एक्सॉन की SMD आई है H310D उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी कि उसको कैसे अपग्रेड करना है अपलोड कर दूं। क्योंकि जब भी आप नई SMD खोलेंगे तो आपको लैंग्वेज चेंज करने में बहुत दिक्कत आएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए आप मेरी कंप्लीट वीडियो देखें। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सॉन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करेंगे। कैसे करेंगे, क्रोम खोल लेंगे। क्रोम के अंदर जो है आप यहाँ पे ये www.exontech.com जो है ये आप ओपन करेंगे। ये सारे लिंक्स मेरी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो के अंदर पड़े हुए होंगे। अगर आप देखना चाहते हैं और कभी जरूरत पड़ती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप होम में प्रोडक्ट्स वीडियोस डाउनलोड सेक्शन के अंदर आएंगे, और ये जो सॉफ्टवेयर है एक्सॉन सॉफ्टवेयर डाउनलोड, उसको आप जो है डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये 61.69 MB का सॉफ्टवेयर है जो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, RAR होगा इसका। आप फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, ये आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे इसको। जब आप एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो उसको जो है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद जो है आप इसको इंस्टॉल करेंगे बिना कुछ लगाए हुए। ये आपने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। ये केबल जो है आपकी इससे कनेक्ट नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये आप रन कर देंगे, नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर देंगे इसको, इंस्टॉल हो जाएगा आपका, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे ड्राइवर आपके। यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर सिंपल ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका, ये फिनिश हो गया। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिनिश होने के बाद आपकी जो पावर सप्लाई है, ये एक्सॉन की जो है प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, इसके अंदर यहाँ एक छोटा सा पोर्ट दिया है। उन लोगों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है जिन्होंने मुझसे पावर सप्लाई खरीदे कि अपना फर्मवेयर वर्जन अपडेट कर लें। आप इसको कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे कनेक्ट करते ही, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, simlockcommunication@gmail.com। उसके बाद आप डिवाइस को सर्च करेंगे, ये डिवाइस मेरा कनेक्ट हो गया P3208 सॉफ्टवेयर वर्जन 2.05 जो एक्चुअल वर्जन है इसका, जो आपका 25/7/2023 को रिलीज हुआ है। सिंपल आप कुछ नहीं करेंगे, इससे पहले आप वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। वाईफाई में जो है आप पासवर्ड डालेंगे, मेरा वाईफाई ऑलरेडी कनेक्ट है इससे, इसलिए उसको उठा नहीं रहा है। अपग्रेड कर देंगे, अपग्रेड में जो आपको सेलेक्ट करना है, यार डिवाइस कनेक्ट टू वाईफाई फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज यूज मिनी प्रोग्राम AI। जरूरत कुछ नहीं है, आप वाईफाई पे चले जाइएगा। वाईफाई पे जाके आप डायरेक्ट यहाँ पे वाईफाई सेटिंग के अंदर इसको जो है आप कनेक्ट कर लेंगे, मेरी कॉन्फिगर्ड है ऑलरेडी। उसके बाद सीधा अपडेट पर आएंगे और ये वाली 2.05 जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा, देखिए डेट वाइज दिया हुआ है 03/6/20/6/25/7 स्टार्ट अपग्रेडेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये अब यहाँ पर जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है ये आपके स्टेट कनेक्टेड दिखाना चाहिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो गया। और यहाँ पे लिखाओ ये इसके ऊपर अपग्रेड लिखाना शुरू हो गया। गलती से भी बीच में ऐसी गलती ना करें कि इसकी तार उतार दें, या आपकी अगर लाइट चली जाती है तो आपके लिए एक अच्छी खासी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट से UPS से कोई ऐसी चीज यूज करें जिसका बैकअप ले ले। ये आपकी 100% अपग्रेड हो गई, अपग्रेड सक्सेसफुली लिखा आ गया वहां पे, और जो है आप इसको जो है दोबारा आप इसका वर्जन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका था, इसलिए बाकी जब आप कोई भी पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो ये पर्टिकुलर जगह पर जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर वर्जन आपका इससे ब्लो दिखाई देगा। तो जी, और ये सीरियल नंबर आपका पावर सप्लाई का नजर आएगा, जो इस सिस्टम के अंदर सीरियल नंबर है ऑलरेडी। यहाँ पे स्टेट कनेक्टेड ग्रीन हो जाएगी ये। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको लगता है
ट्यूटोरियल बहुत अच्छा है, तो प्लीज मुझे नेक्स्ट मोटिवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर आपको सिर्फ खाली अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं और मेरी वीडियो देख के आपको अपग्रेड करके दिखाते हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ग्लोबल पूरे ग्लोब के अंदर अगर आपको ट्यूटोरियल वाइज कोई ऐसी वीडियो मिलती है तो आप, मैं अपनी वीडियो डिलीट मारने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।